मेरठ में रेड लाइट एरिया तो बंद हो गया, लेकिन हाई प्रोफाइल होटलों में देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। मेरठ में आज पुलिस ने होटल साहिल पर छापेमारी की, जहां से 2 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां होटल की आड़ में देह व्यापार का खुला धंधा चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को ऑनलाइन बुक किया जाता था और ग्राहकों की डिमांड पर देह व्यापार के लिए परोसा जाता था। हाँ सर, ये शास्त्री नगर में जो सेंट्रल मार्केट में एक होटल है, दाहिने घुसते ही होटल साहिल, तो उसमें 2 मंजिल ऊपर चढ़ गए होटल है, वहाँ पर छापा भी मारता। शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर भी लड़कियों को होटल वाले रखते हैं और ग्राहकों को बुला के वहाँ पर कुछ वैसे देह व्यापार का कार्य चलता है। तो मैंने उसमें टीम को लेकर गया था, AHTO की टीम थी, लोकल भी पुलिस थी। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 5 जेंट्स हैं ये मिले हैं। मूल रूप से उसका जो मैनेजर के रूप में वहाँ काम कर रहा था, ये अशोक है, नेपाल का है, अशोक नेपाली के नाम से लोग जानते हैं, तो ये पकड़ा गया है। मेन कर्ता धरता ये है, बाकी इसके साथ जो सहयोगी इसका एक नौकर है। तो बाकी जो बरामद हुए हैं, जो मिले हैं, वो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उन सबको पकड़ा गया है। जो भी सुसंगत धाराएँ होंगी उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। होटल मालिक का अभी मैं पूछताछ किया था, तो कोई मिस्टर अरोरा बताए हैं होटल मालिक, तो उसकी भूमिका की जांच होगी कि होटल वो स्वयं चला रहे हैं या ये अशोक नेपाली चला रहा था। बुलंदशहर के गांव मैना मोजपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक सगे भाई ने अपने बेटे और अपने साथियों के साथ मिलकर ईंटों से प्रहार कर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैली है। हत्या के बारे में सुनते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। पुलिस को भी हत्याकांड की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, वहीं पुलिस इस जमीनी विवाद के साथ साथ अन्य कई पहलुओं पर भी हत्याकांड की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह जी, जी क्या मामला हुआ और किसने इनकी हत्या की है? जी मामला ऐसा हुआ था, जो आए खेत में घूमने के लिए डॉक्टर साहब और हमारे दामाद छोटे वाले और हम भी संगे सवरी और हमारी लड़की, तो ये पहले आ गए यहाँ, तो ये दीवार उखाड़े भी लगे हैं। पप्पू सिंह कौन है? पप्पू के इनके बड़े भाई। अच्छा, और इनका लड़का और वही बिमलेश, इन्हें दीवार उखाड़ी है। तो पप्पू इन्हें कही है जाल में सिंह ने कि भाई दीवार चो उखाड़ रहो, यहाँ तेरा हिस्सा उसे तू ले ले और यहाँ मेरो मैं ले तू। तो इतने में बिमलेश है ना, उन्हें ईंट मारना शुरू कर दी है। अच्छा हाँ, इन्होंने ईंट मारी है। तो 2 हमारे गाँव के, एक जितेंद्र, एक हरिओम और एक और है, मैंने उन्हें जानता हूँ। मैं पांच लोग थे, सगे भैया जिन्होंने हत्या की। हाँ हाँ, सगे भैया थे। किस तरह से हत्या की, क्या चीज मारी है? पहले तो ईंट मारी थी, पहले तो माथे पे ही, तो तुरंत ईंट खाई गिर गए। फिर 5-7 मारी है मुड़ा में। अच्छा, 5 मारी हो, 4 मारी हो, 2 मारी हूँ, तो ये नहीं गिर गए। तो गिर के 2 भागे तो वो 3 भागे तो मोटरसाइकिल मौके पे इनकी मौत हो गई। हाँ जी, खत्म हो गए सर। राहुल, आज जो ये इनकी हत्या हुई है, हाँ जी, क्या कारण हत्या के पीछे रहा है? जय प्लॉट के पीछे भैया सर। कैसे हुई है इनकी हत्या? जो इनकी हत्या भैया और भतीजे ने और 3 लोग और एक इनकी भाभी। किस चीज से बार किया है? पहले तो माथे पे ईंट मारी, फिर ईंट बहुत बरसाई, वहाँ पर भतीजे पर तमंचा भी था और ये मौके पे एक ईंट में खत्म है गए, फिर सारी ईंट मारी इनमें। अच्छा हाँ, इनके घर का और कोई मौके पे मौजूद नहीं था? एक डॉक्टर साहब है, एक हमारे ससुर साहब है, एक मैं हूँ, एक घरवाली। चार को भी चोट पहुंची है? किसी और को ना, डॉक्टर साहब हम तो हल्की हल्की है, कोई दिक्कत ना हमें। तो आप मौके पे मौजूद थे? मौके पे मौजूद है मैं और डॉक्टर साहब और हमारे ससुर साहब, 3 जने हम। आप जने एक ईंट में काम खत्म है, जब आदमी जाता है फिर मचाने को प्रयास शुरू करो जाते हैं। वो जो लोग 5 तो हथी है जी, हम 3 तो जानते हैं, 2 जानते ना। खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक भाई ने भाई की हत्या की है, क्या मामला है पूरा सर? खुर्जा जंक्शन क्षेत्र के मैना मौजपुर के रहने वाले जालिम सिंह, जो अपने ही प्लाट पर गए हुए थे, जो ईंटों से नींव भर रहे थे, वहाँ पर उनके सगे भाई और अपने पत्नी और लड़कों के साथ पहुँचे और उनसे पहले बहस किए। बहस में इनका बहस ज़्यादा बढ़ गया और अंत में वहीं पर उन्होंने उनकी ईंटों से कुचल करके हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंच करके और शव को कब्जे में ले करके PM पंचायतनामा के लिए भिजवा दिया गया है और तहरीर प्राप्त हो गई है।
जिसमें दो की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो अभी प्रथम दृष्टया जो मामला जांच करने पर ये पता चला है कि इनका उसी प्लाट को लेकर के विवाद चल रहा था, और अन्य विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में है उसके अनुसार अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घर में थमा नहीं है अभी हत्याओं का सफर। जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने ही किया अपने परिवार के साथ भाई का ईंटों से कुचलकर कत्ल। कैमरामैन हारून सेफी के साथ रिजवान अंसारी, सीएमएन न्यूज, बुलंदशहर। मुरादाबाद जनपद के चक्कर की मिल्क में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पर ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा सैनी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों द्वारा सैनी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग ईसाई समाज के ताल्लुक रखते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। कपिल जी, किस समस्या को लेकर आप यहाँ थाने पहुँचे हैं? सर, हम लोग जो है अपने घर पर मौजूद थे, तो हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया कि चक्कर की मिलक सैनी धर्मशाला के पास जो है धर्म परिवर्तन चल रहा है। जिस पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो हमने देखा काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ जानकारी करी। एक भूरे नाम का व्यक्ति है जो जाटव समाज से है, अपने आप को बता रहा था कथित जाट समाज से, और उसने जो है देहरादून से एक अपने धर्मगुरु को बुला रखा था जो इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। हमने पता करा उससे कि भैया धर्म परिवर्तन किस आधार पर करवाया जा रहा है, तो उसने जो भूरे नाम का व्यक्ति है उसने बताया कि जी जो ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक तो जो है वो संपन्न हो जाएंगे बहुत जल्दी, प्रभु यीशु की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी, और उन लोगों को जो है समय समय पे जो बाहर से विदेशों से ऐड आती है उसमें उन्हें लाभ दिया जाएगा, हर प्रकार की सहायता करी जाएगी। और जो लोग बेसहारा हैं, असहाय हैं, जिनके पास घर मकान नहीं है और बहुत गरीब हैं, तो उन्हें जो है प्लॉट भी दिए जाएंगे, और उन्हें हर तरीके से जो है मिशन की तरफ से, जो हमारी मिशन की संस्थाएं हैं, कैथोलिक है, मेथोडिस्ट है, जो भी जिस तरीके की हैं, तो इनके द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। अच्छा, धर्म परिवर्तन किसका करा रहे थे ये लोग? ये धर्म परिवर्तन सैनी समाज के ही लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे चक्कर की मिलक में। अच्छा, जो पीड़ित है, जो जिसका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उसका क्या आरोप है, वो कहाँ है? जी, पीड़ित जो है मौजूद है थाने में। पीड़ित को बरगलाया जा रहा था कि जो तुम्हारे घर में सारी समस्याएं हैं, तुम्हारे ऊपर 52 आत्माएं हैं, और ये जो है प्रभु यीशु की कृपा से चंगाई हो जाओगी तुम लोग, और ये सब चली जाएंगे। तो थाने में आपने तहरीर दी? जी, थाने में तहरीर जो है तैयार हो रही है। कितने लोगों के लिए तहरीर दे रहे हैं? ये जो है 5-6 लोग हैं इसमें महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं जो ये महिलाओं का माइंड वॉश करती है। अच्छा, आप किस संगठन से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू जागरण मंच से। क्या सब नाम है? क्या? कपिल कुमार, एडवोकेट, सह प्रमुख महानगर। थाना क्षेत्र में बीती रात एक धर्म परिवर्तन का मामला आया था, क्या मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा? इस तरह की एक रूमर आई थी, लेकिन जिसकी जांच की गई, जिस पे आरोप लग रहा था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उससे बात हुई, उसके लिखित बयान हुए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, और उसके आसपास और उसके परिजन से बात की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, पहले भी हिंदू था, हिंदू धर्म में हूँ और आगे भी रहूँगा। उसके एक विजेंद्र नाम का बालक है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल की है, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने एक प्रार्थना सभा की थी जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए, और इस तरह की कोई बात नहीं है, और जो भी वहाँ इस तरह की रूमर्स थी उसकी सभी जांच कर ली गई है, कोई इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं कि किसी का धर्म परिवर्तन हुआ हो। अच्छा, पुलिस की जो तहरीर दी गई वो किसके द्वारा दी गई है? इसमें कुछ संगठन के लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिसकी जांच की गई है तो इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। अगर कोई इस तरह का तथ्य मिलता है तो हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के किसरोल स्थित 84 घंटा मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज हमारी टीम ने पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ जो श्रद्धालु 40 दीपक भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष जलाता है, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती है। क्या?
मैं भारती अग्रवाल। जो श्रावण का पहला दिन है, श्रावण की क्या मान्यता है? ये माता पार्वती ने 108 वर्षों तक भगवान के लिए तपस्या करी थी, शिव जी जी के लिए। उसी मान्यता के तहत भगवान शिव की आराधना की जाती है सावन के महीने में और उनकी पूजा की जाती है। 108 बत्तियां भी चढ़ाई जाती हैं जला के, उसी को मानते हुए कि जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी, तो हर सुहागन स्त्री भगवान शिव से अपने सुहाग की प्रार्थना करती है। सावन के महीने का विशेष महत्व है। मेरा नाम युद्धवीर सिंह चौहान। श्रावण मास पे जैसा कि हम सभी को पता है, शिव जी का ये महा रहता है श्रावण मास, और इन दिनों महादेव की का विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही जहां हम लोग इस समय उपस्थित हैं, ये 84 घंटा मंदिर है, जहां की मान्यता है कि लगभग यहां पर पूरे मुरादाबाद से के आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत लोग यहां कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं, जिनकी संख्या 2.5 से 3 लाख यहां लोग आते हैं। लगभग यहां की बहुत मान्यता है और जिसकी मनोकामना यहां पूर्ण होती है वो व्यक्ति यहां पर घंटे वगैरह चढ़ा करके जाते हैं। श्रावण मास शुरू हुआ है, क्या कहना है आपका, क्या मानना है? श्रावण मास में साल में एक दफ़े आता है ये, और भगत लोग जो है सामने पूरा महीने व्रत रखते हैं, और जिनकी भावनाएं श्रद्धा बहुत होती है इसमें, और जो जिसकी मनोकामना 40 दिन यहाँ दीपे जलाने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और जो पूरे साल आते हैं उनके तो बस पूरा बेड़ा पार ही है उनका तो। अच्छा, जैसे ये हैं हमारे सोनू जी, मंदिर की जो मान्यता है, क्या है मतलब, कितना समय से ये करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। वो लखनऊ से टीम आई थी, वो लोग यहाँ की वो पीपल की छाल उतार के ले गए थे, उससे आइडिया लगा था कि पंडित जी ऐसे माता रिपोर्ट भेजी लोगों ने कि आपका ये मंदिर जो 5000 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ नेपाल नरेश का घंटा भी टाँग हुआ, उनकी पूरा परिवार आया था यहाँ पर, वो यहाँ बोल गए थे घंटा, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी, तो घंटा चलाने यहाँ पर आए थे पूरा परिवार। श्रावण मास में कितने श्रद्धालुओं का यहाँ? यहाँ करीब हर रोज़ करीब 10-15 हज़ार आदमी आया था रोज़, प्रतिदिन सावन में संभाग नहीं ज़्यादा आते हैं, करीब 1.5 लाख आदमी आया था संभाग मार में, बस 15-20 हज़ार आदमी रोज आ जाता है संभाग। संभल में पेशी से वापस कैदियों को लेकर आ रही पुलिस वैन पर हमला कर बदमाश अपने 3 साथी छुड़ा कर ले गए और 2 सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी। वही घटना के बाद से सिपाही के परिजनों को जैसे ही ये सूचना मिली कि दोनों के घरों में कोहराम मच गया। मृतक सिपाही ब्रजराज और हरेंद्र का परिवार मुरादाबाद में ही रहता है। सिपाही ब्रजराज के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ दुलारी देवी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने अपने बेटे की मौत पर बिलखते हुए खून का बदला खून से लेने की मांग की है। हमारे पड़ोसी थे और हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे, हरेंद्र सिंह सिरोही। तो ये अपनी ड्यूटी पे गए थे, संभल में ये तैनात थे, संभल डिस्ट्रिक्ट में, और उनके साथ में कुछ बदमाशों ने इनके साथ में कुछ गलत हरकत कर दी, जिसकी वजह से इनको गोली मार दी और उनके ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कोई और पुलिसकर्मी की डेथ हुई? हाँ जी, एक पुलिसकर्मी और हैं, उनका नाम ब्रजपाल सिंह है, वो भी यहीं मुरादाबाद में रहते हैं और ड्यूटी वहीं संभल डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। आप देर रात तक यहाँ बैठे हुए हैं, किस नेचर के थे हरेन जी, ब्रजपाल जी? जी साहब, ब्रिजपाल जी को तो मैं कम जानता हूँ, लेकिन इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे तो बिल्कुल एक ही दीवार में दोनों का मकान है, और हमको ये लगता ही नहीं था कि ये पुलिस में है। हमारे साथ इनकी बहुत अच्छी बातचीत चलती थी, और इन्होंने कुछ हमसे कहा था कि भाई हमारा ये सामान रखवा दो, तो हमने इनका सामान भी रखवाया है, और भाई यही क्या कहते हैं, हमारा इनका बहुत अच्छे संबंध है, संबंध है अभी परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ जी, रिटायर होने वाले हैं ये, क्या कहते हैं, अभी 7 महीने इनके करीब लगभग रह गए थे सर्विस के, इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं?
इनके दो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक लड़का है जिसकी भी शादी हो चुकी है, एक इनका पोता है और वाइफ है। क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के लिए? बहुत दुखद घटना है। बहुत क्या कहना ये बहुत दुखद घटना। मैं तो ये जानता हूं कि हमारे मुझे भी इस मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर करीब 40 साल हो गए। 40 साल में मैं ये पहली घटना देख रहा हूं जो इस तरीके की घटना हुई है। इससे पहले ऐसी घटना नहीं हुई है। मरते हैं मुठभेड़ में, सब दोनों तरफ के मरते हैं, लेकिन ये इस तरीके का मरना ये पहली बार हुआ है। क्या इसे आप पुलिस की लापरवाही मानते हैं? पुलिस की लापरवाही भी हो सकती है इसमें, क्योंकि जब उसके अंदर आदमी मिर्च का पाउडर लेके बैठ रहा है तो उनकी तलाशी किस तरीके से होनी चाहिए या कौन क्या चीज़ दे रहा है उसके बारे में देखना चाहिए। मुलर शहर के सयाना की बात करते हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 56 शिकायतें आई, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, वहीं बाकी शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग से आई हैं। आज श्री सुधीर उमटा मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार में किया गया था, जिसमें कुल 56 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7 का निस्तारण मौके पर करा दिया गया है। कुछ टीमें रवाना की गई हैं, उनकी निस्तारण आख्या प्राप्त होने के बाद यह निस्तारण आख्या परिवर्तित हो सकती है। किस भाग से कितनी शिकायतें हुई? मुख्य शिकायतें पैमाइश की, निजी भूमि पैमाइश की, राजस्व की, बिजली विभाग के शिकायतें थी, सिंचाई जो नाले सफाई वगैरह के हैं, राजबाहा नहर की सफाई के संबंधित शिकायतें थी, और जैसा कि आप विदित हैं कल शाम को आधी भी क्षेत्र में आई हुई थी, तो उस वजह से विद्युत की शिकायतें थी ज्यादा। शाहबाद के सैफनी ग्राम पंचायत घर में बैंक ऑफ बड़ौदा का कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों के अलग अलग कैटेगरी के लोन माफ हुए। वहीं आपको बता दें कि इस कैंप में आकर किसानों ने भी इस कैंप का फायदा उठाया। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा मुरादाबाद रीजनल ऑफिस के अंदर चीफ मैनेजर हूँ, यानी कि मुख्य प्रबंधक। इसके तहत हम यहाँ पे आए गए हैं। हमारे बैंक ने एक वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत जितने भी 4 तरह के लोन होते हैं, एग्रीकल्चर, MSME और रिटेल और दूसरा कृषि लोन, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं किसी वजह से, कि उनकी फसल खराब हो गई या उनकी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी खराब हो गई या कोई और वजह हुई। अब सरकार ये बोलती है कि ये जो लोन है आप इनसे कुछ पैसे लेकर के इनका कुछ ऋण माफ़ करके अलग अलग तरीके के केस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी केस में हम 75% भी माफ़ करते हैं, किसी केस में हम 50% माफ़ करते हैं, किसी केस में हम 10% ही माफ़ कर पाते हैं। ये कैटेगरी होती है और कैटेगरी के हिसाब से हम माफ़ कर रहे हैं। उसी के तहत हमने कैंप लगाया हुआ है। ये चार पाँच गाँव है जहाँ पे, इसके तहत हमने ये लोगों को बुलाया गया है। इसमें हम कई लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में पैसा जमा करा देंगे तो आपका जो लोन है, जो कानूनी नोटिस आपके पास गया है, वो खत्म हो जाएगा। ये आज ही लगेगा कैंप, क्या और भी डेट है इसकी? ये आज है, जो आज हमारे पास आएंगे इस कैंप के अंदर जो आज करेंगे उसको 15 दिन का टाइम दिया गया है। आप 15 दिन के अंदर अंदर आप जमा करा दें पैसे, तो आज आप जो भी हमें रकम जिसमें हम एग्री करते हैं रकम आप आज जमा करा देंगे, तो 15 दिन के अंदर अंदर बाकी जमा करा देंगे, तो आप इस लोन से मुक्त हो जाए।